Gift expensive and valuable, hona chihai, and this gift is definitely very valuable. I assure you, this gift is definitely going to be unexpected as well as astounding. The reason being, neither one dare to give such a gift nor we expect it from anyone. An Unexpected Gift by Author Ajay K. Pandey, and this is probably my third book that I'm going to review and suggest to you. This book is extremely, extremely fine, and I believe very close to my heart. Because it was really unexpected. At uh, while the initial phase, okay, it's not like you just feel that there was something different at the end, but in middle phase as well, because the story is covering a transgender, and uh, that is quite a unique topic in itself. Sure, I. A K J K Pandey's story. Are you sponsoring him? No, I'm not. बट आई एम डीपली कनेक्टेड विद द स्टोरीज ये आर बिकॉज एक एलिमेंट है एक रियालिटी का टच आ जाता है एक सोशल इशू के बारे में बात होती है एंड दैट थिंग्स मेक दिस बुक दिस ऑथर क्वाइट यूनिक इन दिस बुक ही इज़ टॉकिंग अबाउट ट्रांसजेंडर उनकी जो हार्श रियालिटीज़ है ना सोसाइटी एक सोसाइटल इम्पैक्ट हो जाता है नॉट एवरीबडी एक्सेप्टैम एंड हाउ दैट गर्ल्स स्ट्रगल्स ऑल उनकी जो बाहर निकलने की उस सोसाइटी से उस मैंटेलिटी से बाहर निकलने की जो स्ट्रगल है वो सारी बताई गई है एंड दैट इज क्वाइट अ यूनिक टॉपिक इन इट सेल्फ राइट सो आई जस्ट थॉट ऑफ डिस्कसिंग इट इन फ्रंट ऑफ यू गाइज एंड दैट इज द रीजन वाई आई एम रिव्यूइंग दिस बुक राइट नाउ स्टोरी टाइम सो द स्टोरी स्टार्ट्स विद अभय द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी उनकी वाइफ जो होती हैं हिज वाइफ वॉज डायग्नोइ्ड विद कैंसर ब्रेन ट्यूमर हो जाता है एंड दे गॉट टू नो इट शी वेन्स फोर मंथ प्रेगनेंट पिछले बारी भी ऐसे ही कुछ था बट चलो कोई बात नहीं रिपिटेशन है ऑब्वियसली रिपिटेशन है एंड आई फेल्ट इट क्वाइट वेल बिकॉज मैंने सारी सीरीज एक साथ खत्म करी है सो आई आज ड्यूरिंग सेशन दैट वट यू ऑलवेज किल समबडी इन योर नॉवल्स सो चलो ठीक है वो एक अलग लाइफ बिकम्स माइजरेबल वैन यू लूज योर पार्टनर एंड दैट टू वैन यू आर लेफ्ट विद चाइल्ड टू टेक केयर ऑफ जस्ट फील दैट पर्सन ही लॉस्ट एज वाइफ And he had a child to take care of. He had to take care of himself as well as his child. So he was not consistent his, his, with his work, and his boss suggested him to have a caretaker. A caretaker who can work for full time. So uh, that was quite quite impossible to ask. Like who would work extra hours for his child? And uh, somehow okay, suggest karte hai, his boss that he already has this uh, girl in his suggestion and gave him the details. तो वो सजेस्ट वगैरह करते हैं शीतल शीतल वो, वो एक लड़की रहती है शीतल शी वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल एंड अट्रैक्टिव लेडी जिसकी वजह से जो मोहन उनके ऑलरेडी एक सर्वेंट रहते हैं उसको थोड़ी सी इनसेरिटीज़ हो गई हैं दैट वाई शी वर्किंग एक्स्ट्रा आवर्स भी वर्क कर रही हैं शी इज़ ब्यूटिफुल एंड आई एम स्पेक्ट स्केप्टिकल skeptical about her. She started working next day but she was lacking some documents. That was the reason why a uh, detective Mohan again was very skeptical about this girl that where are her documents. I believe that she is really into some crime or something but uh, Abhay took hold of all this situation and asked her to present her Aadhaar card but she, he got to know that she didn't even apply for it. सो देन दे गेट टू नो बहुत थोड़ा सा थोड़ा सा ड्रामा मेलो ड्रामा होता है थोड़ा सा एंड देन दे गॉट टू नो देट शी इज़ अ ट्रांसजेंडर वो थोड़ी सी अपनी स्टोरी बताती हैं देट हाउ शी गॉट इन दिस शी वॉज बॉर्न अ बॉय एंड एवरीबडी वॉज वेरी एवरीबडी वॉज चेरिश्ड उनके फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं उनके पापा मम्मी बहुत खुश होते हैं देट दे गॉट अ चाइल्ड एंड द फर्स्ट चाइल्ड इज बॉय एंड एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी अबाउट दिस सिचुएशन बट लेटर विद टाइम के साथ साथ जो शीतल होती है she felt that she is more inclined towards the girly stuff. she was not really attracted to girls and instead was a bit inclined towards boys. also, she had some mild voices that were making her different from the rest of the boys. eventually, she gets to know and even her mother supported. and that played a very important role in her life. उसकी माँ ने उसको सपोर्ट किया गॉट हर ड्रेस्ड गॉट हर एवरी थिंग इन एवरी वे शी एक्सेप्टेड हर फिजिकली मेंटली एवरी वे ठीक है उसको सपोर्ट किया बट नॉट एवरी डे लास्ट लॉन्ग ठीक है उनकी मम्मी की डेथ हो जाती है एंड देन शी हैड टू टू शिफ्ट हर मेटरनल अंकल एंड थिंग्स डेंट गो क्वाइट वेल देयर आफ्टर दैथ कुछ अपना एजुकेशन वगैरह पूरा करने के बाद शी डिसाइडेड टू लीव दैट प्लेस एज वेल एंड वेंट विद हर फ्रेंड जो अपकमिंग डे में उनका बॉयफ्रेंड स्केप्टिकल uh, हमारे डिटेक्टिव ने पता किया है सो so, वो उनका उनके साथ में मूव कर लेती हैं टू डिफरेंट प्लेस कमिंग बैक टू द प्रेजेंट शीतल वॉज टेकिंग एक्सट्रीमली गुड केयर ऑफ आयुष लेकिन सबसिक्वेंटली बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं एज सुन एज गेट टू नो दैट शी वॉज अ ट्रांसजेंडर एंड ही वॉज यार वाई डिट शी लाइट टू हम ये इतना कुछ एक्सट्रीम इशू नहीं था शी वुड हैव टोल्ड हिम अबाउट इट बट चलो ठीक है धीरे धीरे चलती हैं

Just think about that lady. Maybe you and me, we can't relate to it, but just think of that lady for a moment who, who was fortunate enough to have have nourished this baby and who was calling her mother and even treated her like mother. So that was very, very fine line. I I couldn't hold my uh, smile when I was reading this line. And see, this is a fine mentality hai that is very rare. While I'm shooting this, my sister is guessing that it's not unexpected unexpected, thing. ज मैन शीतल वॉज नाउ अ मॉम एंड वॉज ग्रूमिंग आयुश क्विट फाइनली बट फिर से कुछ ट्विस्ट एंड टर्स आ जाते हैं सेक्रेटरी जो होते हैं सोसाइटी के ही गॉट चेंज्ड एंड नाउ द न्यू सेक्रेटरी हैड प्रॉब्लम विद शीतल बिकॉज शी सबमिटेड हर डॉक्यूमेंट आधार कार्ड वगैरह जो वैन फाइनली दे गॉट इट अरेंज उन्होंने बनाया सो देन पीपल ऑब्वियसली है वाई यू गेविंग ट्रांसजेंडर जॉब एंड they are not quite good and maybe they are related to something bad and may be harmful for the society not just for you so the secretary he completely disbands her there is no uh, no profession like this we cannot allow her and not only this society ke people they they just stopped talking to her. newspaper wala didn't deliver any newspaper wala, uh, milkman he just stopped giving milk and

इतनी सारी हार्डशिप्स के बाद भी ही हिड लीव लीवर साइड यू उज देर हर और उनको छोड़ने ले जाने कोई भी प्रॉब्लम होती थी यू उज़ विद हर स्टिक बाई साइड एंड एट लास्ट वो शीतल ये डिसाइड करती हैं एक कन्फेशन करती हैं दैट शी वॉन्ट टू मैरी ऑथर से नहीं उसका जो बॉयफ्रेंड रहता है शुभजीत उससे वो शादी करने का प्लान करती है एंड जो शुभजीत की फैमिली होती है वो इस डिसीजन के खिलाफ होती है देर इन वॉन्ट टू वॉन्ट देयर चाइल्ड टू मैरी दिस गर्ल शीतल शीतल के बिहाफ पे कोई फैमिली नहीं होती है हु कुड जस्ट गो एंड इनिशिएट दिस कन्वर्जेशन तो वो डिसाइड करती है अभय सर को बताने की और वो जाके ये बात उसकी फैमिली तक पहुँचाए वो जाते हैं वहाँ बट कुछ फ़र्क नहीं पड़ता वन दे केम बैक ही डिसाइडेड टू हैंडल एवरीथिंग ऑन इज ओन वो जाके उन दोनों की शादी करवाते हैं बहुत सारी पिक्चर्स वगैरह क्लिक करते हैं एंड केम बैक होम। शुभजीत और शीतल की स्टोरी अलग है दैट यू कैन गो एंड चेक आउट। वट अभेड वॉज वो शुभजीत की नौकरी ही जस्ट ट्रांसफर्स हिज जॉब टू पुणे वहाँ जाके दे ही टेल्स हिम दैट टॉक्स टू दिस अजय के पांडे कम्स इन बिटवीन एंड उसके बाद वो जाके वहाँ जा, उनकी जॉब को शिफ्ट करवा देते हैं सो नाओ द बोथ ऑफ द कपल वर्ड टू शिफ्ट टू पुणे शीतल का बर्थडे भी आने वाला था एंड दे डिसाइडेड टू गिफ्ट हर अ प्रेजेंट जब अपने थोड़ा सा वापस आती है अपने रूम में वापस आती है लास्ट बाई कहने के लिए शी कैप शी वॉज वेरी लक वॉन्ट टू लीव आई यूश एंड गो बट थिंग्स डोंट गो लाइक यू वॉन्ट दैम राइट तो जा रहे होते हैं फाइनली डिपार्चर होता है एंड ट्रेन की साइड बस निकल चलते हैं नाउ अभय वॉज इन अ डिफरेंट वर्ल्ड ही हैड इज ओन हैड इज ओन प्लानिंग इन इज माइंड सो एज सुन एज शीतल एंड हर हजबेंड ली टू फॉर पुणे ही अलॉन्ग विद किड आयुष डिसाइड टू गो एंड बिड हर गुड बाय देयर सो वो दोनों पैक करते हैं आयुष का बैग वगैरह लगेज वगैरह पैक करते हैं एंड दे जस्ट गो टू द प्लेस एंड देयर आयुष को शीतल के पास ट्रांसफर कर देता है ऑन हिज बर्थडे दैट ही इज गोइंग टू अ यू एंड लिव विद यू सो दिस इज द अनएक्सपेक्टेड एंड आई थिंक मोस्ट फॉर्चुनेट गिफ्ट फॉर शीतल सो अपना बच्चा किसी को दे देना आई से इट अ पीस ऑफ हार्ट बट अपना हार्ट किसी को दे देना दैट वॉज अ गिफ्ट दैट इज आई थिंक बियॉन्ड एनी गिफ्ट इन दस वर्ल्ड so this was very very different very unique idea that i i really loved this reading this novel i had this ebook uh, but i'm going to definitely purchase a hard copy of this novel i hope that this video was somewhere helpful in letting you know a different uh, book altogether because what's the point in knowing books which are already hyped let's discover some new books right and uh, there, there are new books coming out. there's this recent edition. i even posted an unboxing video, amazon book haul, video. in that, i even um, unboxed his another book, a girl in the red lipstick, and it is, in fact, a, a different one altogether. all right. Uh, talks about prostitution. Uh, i should avoid using the word uh, reading a novel because what's the point when you don't, uh, don't relate anything but you don't. Learn anything from a book? What's the point of reading it? So, uh, that was it. And this, I hope this video was somewhere uh, useful and you enjoyed uh, this. You are definitely going to enjoy this uh, particular novel as well, okay? So, that's it. Um, that's it. Yeah, that's it. So, that's it. Channel. <laughs>